एक गाइस दिस इज योर रिव्यू और स्वागत करता हूँ आपका फिर से इनक्रेडिबल व्लॉग्स में। तो आज जैसे कि आप देख रहे हो कि हम आए हैं नेक्सा प्लास्टोवेट, जैसे कि 99 वाले जो अपना वीडियो था ना, 99 वाली जो अपनी होलसेल वाली मार्केट थी, वो दिखाने के बाद जब मैंने आपको बोला था कि मैं आपको फैक्ट्री में लेकर के जाऊंगा कि कहां से ये मैन्युफैक्चर होता है, तो मैन्युफैक्चर जहां से होता है वो पूरी प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा आज की, कैसे पूरी प्रोसेस होती है, कैसे प्लास्टिक बनता है, कैसे आपके टब बनते हैं, कैसे आपकी बाल्टी बनती है, वो कैसे बनती है और यहां से निकलने के बावजूद वो आपको इतना सस्ता कैसे मिल जाती है, उसके बारे में अमित जी अपने को बताएंगे। तो चलते हैं सीधा अंदर और जानते हैं अंदर की सच्चाई। तो गाइस ये है अंदर की फैक्ट्री, आप देख पा रहे हो फैक्ट्री पूरी, और यहाँ पे सारा जो सामान आपको दिख रहा है प्लास्टिक मटेरियल है, और नेक्सा प्लास्टोवेयर यहाँ का नाम रखा हुआ है, और पूरी प्लास्टिक की बाल्टी, ये कैंपर जो आपको दिख रहे होंगे, और इधर ये जो बैठने वाले टब होते हैं, पाटे होते हैं, सारी चीज़ें जो है यहाँ पे बनती है। प्लास्टिक की जो क्वालिटी है वो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये आप टब देख रहे हो, इतनी शानदार इसकी क्वालिटी है कि आप इसको बढ़िया यूज़ कर सकते हो आराम से, जबकि ये अभी निकला हुआ है, अभी जस्ट ही निकला है। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे अलग अलग तरीके की बाल्टियाँ बनती है, छोटी, कुछ छोटी बनती है, कुछ बड़ी बनती है, और अलग अलग तरीके से यूज़ होने वाली ये सारी बाल्टियाँ हैं। एक तो ये बाल्टियाँ हो गई, और इनमें कलर भी अलग अलग बन जाते हैं, जैसे कि आपको वहाँ दिख रहा होगा लाल, नीला, और अलग अलग कलर आपको यहाँ दिख जाएंगे बाल्टियों में। तो ये वाली बाल्टियाँ हैं नहाने के लिए काम में जो अपन लेते हैं, ये वो वाली बाल्टियाँ हैं, और वो वाली अपन बाथरूम में जो यूज़ लेते हैं वो वाली बाल्टियाँ हैं। मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री से आप डायरेक्टली अगर लेते हो तो आपको बल्क में चीज़ लेनी पड़ेगी, और यहाँ का जो कॉस्ट होगी ना आपको बल्क में जब आप लोगे तो आपको बहुत सस्ती पड़ेगी। ये देखो गाइज, ये जो टब है इनकी क्वालिटी मैं आपको दिखाता हूँ। ये टब इतना मजबूत है कि इस पर आप चाहे इस पर आप खड़े हो जाओ, पूरे खड़े हो जाओ चाहे, इतनी शानदार इसकी क्वालिटी है, वापस सही हो जाता है ये, इसको कैसे भी कर लो आप। प्लास्टिक इसका जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बना हुआ है, चाहे इसकी बात कर लो या चाहे इसकी बात कर लो, इसका जो प्लास्टिक का जो मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा सॉलिड है। ये वाला देखो, ये से थोड़ा सा छोटा है, पर इसकी जो क्वालिटी है वो क्वालिटी बिल्कुल भी कम नहीं हो रही, एकदम आप इस पर चाहे खड़े होकर देख सकते हो आराम से। मैं इस पर कूद, ये मान लो कि अगर अपन माने तो 100 किलो तक ये आराम से बियर कर सकता है, और कुछ नहीं बिगड़ रहा है इसका, इतनी शानदार इसकी क्वालिटी है, और इसके बारे में मैं आपको बता ही दिया। और ऐसे प्लास्टिक आइटम्स यहाँ पर बहुत सारे मिलते हैं, और इससे भी छोटा है ये वाला टब जो है, आप देख लो इसकी क्वालिटी भी सेम क्वालिटी है, ये भी इतना ही वजन सह सकता है, आप चाहे इस पर भी खड़े होकर देख सकते हो। तो चाहे छोटा टब हो चाहे बड़ा टब हो, सारी जो इनकी है ये आप आराम से वापस, ये सही हो गया, मतलब मेरे जितना वेट का आदमी आराम से इस पर आप जंप कर सकते हो, बढ़िया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं अमित जी के पास और जानते हैं फैक्ट्री के बारे में सब कुछ, आइए। तो अमित जी, इस फैक्ट्री के बारे में जो भी हमने अभी तक जितना भी देखा है कि सारा प्लास्टिक आइटम आप बना रहे हो, तो क्या क्या प्लास्टिक आइटम आप बना रहे हो फैक्ट्री में? सर, फैक्ट्री के अंदर ये कम से कम 12 से 15 मोल्ड हैं। अच्छा। इसमें 20 लीटर बाल्टी आ गई, एक छोटा पाट आ गया, रॉयल पाट आ गया, और लॉन्ड्री आ गई, 5 लीटर बाल्टी भी आ गई। तो सारा कुछ आप में, पीछे आपकी जो ये मशीन है इसके अंदर आप बना रहे हो? ये सब अपने प्लांट में बन रहा है। अच्छा। इसमें 20 नंबर टब आ गया, 16 नंबर टब आ गया, 23 नंबर टब आ गया, ये सभी आइटम अनब्रेकेबल आइटम है, ये कैसे भी नहीं टूटेगी। हाँ, वो मैंने अभी चेक किया पाटे पे, मैं खड़ा होकर के मैंने देख लिया, लेकिन वो बिल्कुल नहीं टूट रहा था, एकदम अनब्रेकेबल आइटम है, एकदम मतलब बिल्कुल अनब्रेकेबल है। ट्रक के नीचे भी डाल दोगे टब को तो भी कुछ भी नहीं होगा उसका, मतलब। तो ये पानी के कैंपर भी आप दे रहे हैं? पानी के कैंपर मैंने देखे, पानी के कैंपर भी आप बना रहे हो? हाँ सर, तो कमर्शियल यूज में जो सप्लाई में कैंपर यूज में आते हैं, तो वो हैवी कैंपर कमर्शियल यूज में आ रहे हैं। तो कितना टाइम हो गया अपने को फैक्ट्री को इनॉग्रेशन हुए? सर, फैक्ट्री को चालू किए गो सर आज से 7 से 8 साल हो गए। अच्छा, 7 से 8 साल से आप ये काम कर रहे हो? हाँ बिल्कुल सर। तो गाइस, 7 से 8 साल से नेक्सा जो प्लास्टोवेयर के आप प्लास्टिक यूज कर रहे हो अपने घरों में या फिर जो बाजार में आप देखते हो, तो वो अमित जी की तरफ से सप्लाई होते हैं, और सारा जो आप प्लास्टिक देख रहे हो एकदम स्ट्रॉन्ग क्वालिटी और
स्टॉक की कोई कमी नहीं है, आप जितना चाहो यहाँ से उठा सकते हो। गाइस बाल्टियाँ बनती कैसे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे एक बाल्टी बनती है। तो बना रहे हो क्या अभी? कैसे बनती है इसमें? ये मशीन जो है इसमें से आप बाल्टी निकालते हो बाहर और डालते हो उसमें प्लास्टिक। अच्छा, उसमें से प्लास्टिक जल जाता है और ऐसे ये बाल्टी निकल जाती है। ये कट जाएगा। अच्छा, ये कट जाता है और इस तरह से ये इस बाल्टी को एक शेप देते हैं, एक आकार देते हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से। अच्छा, ये हैंडल के लिए ये होल कर देते हैं इसमें ताकि ये आराम से डल पाए। हाँ, ये काफ़ी गर्म है तो वहाँ से प्लास्टिक गलता है ऊपर से, इस जगह से ये ऐसे बनते जाते हैं। तो ये कितनी देर में कितनी बाल्टियाँ निकल जाती है? 30 सेकंड में एक पीस बन जाता है। 30 सेकंड में एक पीस बन जाता है। मतलब प्रोडक्टिविटी की बात करें अपन तो हैं एक घंटे की 120 बाल्टी आप निकाल लेते हो। एक घंटे की 120 बाल्टी का प्रोडक्शन ये मशीन आपको करके दे देती है आराम से। और बाहर ये बाल्टी निकाल करके आप सीधा स्टॉक में लगा देते हैं। तो ये चिपकती नहीं है, आप एक साथ इसको डाल देते हो, ये बिल्कुल रेडी है। तो ये मॉडल तैयार है बाल्टी का। अगर अपने को इससे बड़ी बाल्टी अगर बनानी हो तो अच्छा ये मॉडल लगा हुआ है। अब यहाँ से आप सेट कर लेते हो उसको, बहुत ही बढ़िया। तो ये प्रोसेस आप देख ही चुके हो इन बाल्टियाँ ये कैसे बनती है। ये प्रोसेस है पीछे फैक्ट्री में, ऐसे बाल्टियाँ बन जाती है और आपके घरों में जो आप बाल्टियाँ यूज़ करते हो वो इसी तरह से बनती है। तो बाल्टी कैसे बनती है? इसी तरह से ही टब बनते हैं, इसी तरह से ही सारी जो चीज़ें प्लास्टिक की है इसी यही प्रोसेस है पूरा ये बनने का। और ये आप देख ही पा रहे हो कि लगातार बनती जा रही है। जैसा कि उन्होंने कहा कि एक घंटे में 120 बाल्टियों का प्रोडक्शन ये करते हैं। और इन कैंपर्स की मैं बात कर रहा था, जो कैंपर यहाँ पे बनते हैं इन कैंपर्स की मैं बात कर रहा था जो आप अपने घरों में भी यूज़ कर सकते हो और शादियों वगैरह में भी ये यूज़ होते हैं। तो जो भी वाटर सप्लाइंग वाली जो कंपनियाँ हैं वो अगर इनको अप्रोच करना चाहें तो कर सकते हो। आप आराम से यहाँ पर अपनी कंपनी का लोगो यहाँ लगा सकते हो और आराम से उसको यूज़ कर सकते हो। तो ये है प्रोसेस कि कैसे प्लास्टिक की बाल्टियाँ, टब और ये जो भी चीज़ें हैं, अलग अलग तरीके की बाल्टियाँ और अलग अलग तरीके की टब और ये कैंपर जो है यहाँ पे बनते हैं। तो इसके बाद में चलते हैं, अमित जी से पूछते हैं कि क्या प्राइसिंग इनकी रहती है अगर कोई होलसेल में इनको लेना चाहे। तो अगर कोई होलसेल इनको लेता है तो इनके प्राइसिंग की बात करें तो कस्टमर का मार्जिन जो आता है वो 25-30% का मार्जिन आता है अगर वो 99 में सेल करता है तो। अच्छा, तो मार्जिन भी आप इसमें 20-25% तक आप इसमें मार्जिन आप ले सकते हो। तो इसके बाद आप समझ ही सकते हो कि भाई अगर 99 में आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हो तो जिस प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा था, जिस 99 होलसेल मार्केट की मैं बात कर रहा था, जैसे हमने दो वीडियो बनाई है पिछली, तो वहाँ सारा अपना प्रोडक्ट वहीं जाता है। सब वहीं जाता है बिल्कुल। और जैसा कि हमने बताया था कि फ्रेंचाइजी के लिए तो वो भी आप डायरेक्टली वहीं पे 99 में आप अप्रोच कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल सर। अगर जिस तरह से ये बात हो रही है तो वेयर हाउस जो 99 वाला होलसेल मार्केट जो हमने दिखाया था उसका वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन में जाकर के मैं आपको लिंक दे दूंगा। तो आप वहां से जाके अभी देखिए और देखिए उस वीडियो को। आपको बिजनेस करने के लिए वो बहुत ही शानदार वाली अपॉर्चुनिटी है जो कि अमित जी प्रोवाइड कर रहे हैं। और अमित जी मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर कोई चाहता है कि मैं इस मार्केट में जैसे उतर रहा हूँ या फिर मुझे 99 वाला मार्केट चाहिए तो आपसे किस तरह से वो अप्रोच करे और कैसे आपके पास आए, तो वो एक पूरी प्रोसेस मुझे बताओ। सर मैं वीडियो के नीचे अपना नंबर दे दूंगा और पूरा एड्रेस दिया जाएगा, वो हमसे कॉन्टेक्ट कर लेंगे और उसके बाद उनको फोटो पिक वगैरह सेंड कर दी जाएगी और वो आके विजिट करके देख के सामान लेना चाहें तो वैसे ले सकते हैं। ये तो बात हो गई कि फ्रेंचाइजी लेने की। अगर कोई छोटे दुकान, जैसे किसी को छोटे से शुरू करना है, जैसे मेरे पास मेरी शॉप है खुद की और मेरे को छोटे से शुरुआत करनी है कि मेरे को तो यार 5-10 हज़ार का एक बार के लिए सामान चाहिए आपका प्लास्टिक का, जैसे किचन आइटम्स होते हैं या फिर घर के जो आइटम होते हैं, उनके लिए आपके क्या सुझाव है? सर उनके लिए सुझाव है वो दुकान पे अपने स्टोर पे विजिट कर लेंगे बिल्कुल और वो 5-10 हज़ार का जितना लेना चाहें ले सकते हैं सर। तो आपके लिए अगर आप पहले से ही कोई फैंसी स्टोर या फिर आपका प्लास्टिक स्टोर है तब भी आप अमित जी से आकर के स्टॉक ले सकते हो। अगर आपको जरूरी लगता है तो आप यहाँ से आकर के आप अपना स्टॉक पूरा ले सकते हो। बिल्कुल ले सकते हैं।
और सबसे बेसिक और सबसे मतलब इम्पोर्टेंट चीज, कोई भी कस्टमर, कोई भी रिसेलर या फिर कोई भी रिटेलर अगर आपके पास आपकी शॉप पे आना चाहता है तो उसके लिए एड्रेस क्या है आपका? सर अगर कोई अगर हमारी शॉप पे आना चाहता है तो हमारी फर्म का नाम है श्री श्याम ट्रेडर्स। अच्छा। और मेरा नाम है अमित कुमार और ये है मुरलीपुरा प्रताप नगर नियर वेजी का चौराया। अच्छा। और 5 नंबर पुलिया मतलब। और इनकी लोकेशन जो है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट गाइस प्लीज कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं लगता कि आपको कोई और दे पाएगा। तो इनक्रेडिबल ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाइएगा। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका, और लव नेचर, बी एन एडवेंचरर, अलविदा अमिगोस, दाबेड़ी से।